नमस्कार, मैं आरिफ जमाल। कुतुब मेल के दर्शकों को आज आप से एक ऐसी संस्था से मिलवाने जा रहा हूं जो समाज सेवा के अंदर अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर लगातार काम करती रही है और करती उसका अपने कई योगदान रहे हैं, ऐतिहासिक भी, वर्तमान में भी और भविष्य की कई योजनाओं को लेकर भी। हम आज इस संस्था यानी कि बनोधिया वैश्य सभा दिल्ली के जो सेक्रेटरी हैं राजेंद्र गुप्ता जी, उनसे मुलाकात करा रहे हैं। आपको भी बताएंगे कि उनकी भविष्य की क्या योजना है। राजेंद्र गुप्ता जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपकी संस्था क्या काम करती है? हमारी बनोधिया वैश्य संस्था जी शादी ब्याह कराती है और रिश्ते कराती है और जो अपनी बिरादरी को उठाने की कोशिश करती है। हमारी बिरादरी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने नहीं जानते कि बनोधिया वैश्य है क्या चीज़, तो बहुत से अपने को दूसरी कास्टों में ले जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कास्ट सामने आए और खुल के बात करें और खुल के करें, हम इस कास्ट के हैं। जब और कास्ट के अपने खुल के लिखते हैं, हमें शर्म महसूस करते हैं लोगों को लिखने में। अभी आपने कहा कि जो दबे हुए कुचले हुए जो लोग हैं, हम उनको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। दबे हुए कुचले हुए लोगों से क्या मतलब? हाँ, मतलब ये है कि बहुत से अपने समाज में आगे दूसरे घुस जाते हैं, दूसरी कास्टों में जा रहे हैं कि शर्म के आने की बात है। बनोधिया वैश्य है क्या चीज़? तो बनोधिया वैश्य कोई गलत चीज़ नहीं है। अच्छी कास्ट के लोग हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं इसके अंदर। बहुत से गरीब संस्था लोग हैं उसमें, तो हमारे कास्ट में लोग ऐसे भी हैं जो और कास्ट में जाते हैं, जैसे कि बहुत ऐसे छोटे छोटे कास्ट में घुस जाते हैं पैसों के चक्कर में। हम चाहते हैं हमारी कास्ट आगे बढ़े, हमारी पहचान बने और हम अपने अच्छे काम कर सकें। और हमारी संस्था बहुत पुरानी है। आपकी संस्था तो जो पुरानी है वो तो बात ठीक है, लेकिन आपकी कास्ट में क्या है, बनोधिया कौन लोग हैं? हाँ, तो बहुत से पूछते हैं बनोधिया क्या चीज़ है। हाँ। मतलब बहुत से नहीं जानते इस बारे में, बनोधिया वैश्य समाज के बारे में नहीं जानते। बनोधिया कोई अच्छी कास्ट है हमारी, कोई छोटी मोटी कास्ट नहीं है। सरनेम क्या आता है? बहुत से बनोधिया लगाते हैं, बहुत से वैश्य लगाते हैं, बहुत से गुप्ता लगा लेते हैं और बहुत से अग्रवाल भी लगा रहे हैं हमारी कास्ट में, कोई मित्तल भी लगा रहे हैं। तो इस करके थोड़ी ये भटकी है हमारी कास्ट में लोग। कौन हैं ये बनोधिया लोग? कौन हैं बनोधिया? बनोधिया में यानी कि कौन लोग आते हैं, कौन सा व्यवसाय है, नौकरी या क्या है? नौकरी पर लिखा अपना अपना व्यवसाय था, कपड़े उपड़ का था इनका अपना था। उसके आप सब जब बच्चे पढ़ लिख गए, नौकरी तो अपना काम रहा नहीं, तो नौकरी में चले गए लोग। अच्छे पैसे आए लोग तो और अच्छे काम करने लगे। बनिया कम्युनिटी में? हाँ, बनिया कम्युनिटी में आते हैं जी। बनिया कम्युनिटी में जो एक कमज़ोर तबका है, या ये कहें कि ये इतिहास से दूर है या संस्कृति से दूर है? अब ऐसे से कह लीजिए आप, क्योंकि ऐसा मैं बताया ना आपको कि बनिया से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था कोई गलत काम नहीं करती, कोई गलत वो नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं ना, अब वो सोचते हैं भाई बनोधिया क्या है। आप अपनी संस्था में कब से जुड़े? मुझे अभी तीन साल से जी। और हमारी जो संस्था बहुत पुरानी है हमारी, बहुत पुरानी है। ये 1947 से लोग अभी। अच्छा। हाँ जी, यानी कि काफ़ी इसका योगदान है। हाँ, हमारे पहले पिताजी थे। अच्छा। जो हमारा दादा थे वो भी थे इसे, तो हमारे हफ्ते रहने वाले यूपी साइड के हैं, तो वहाँ हमारे तो दादाजी थे, वो थे चौधरी वहाँ के। आप अपनी अपनी कास्ट के आप सेक्रेटरी हैं, किसी भी संस्था के सेक्रेटरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जो लोग बनोधिया हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे, उन लोगों को तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या कार्यक्रम क्या है, प्रोग्राम क्या है? हाँ, हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मीटिंग होती है हमारे बनोधिया समाज की, हम सबको मैसेज करते हैं जो हमारी जानकारी में, हम कहते हैं आगे तक पहुँचाओ जो उनको जानते हैं, तो वहाँ लोग जुड़े हमारी संस्था से और हमारे पहचान बने हमारी। जैसे अग्रवाल जी कहते हैं कि हम अग्रवाल, मित्तल जी कहते हैं मित्तल, तो हम भी कह सकें हम बनोधिया वैश्य समाज जुड़े हुए हैं और ये हमारी समाज है। कुछ इन लोगों को, सब लोगों को जोड़ने के लिए कोई कार्यक्रम, सभाएं वगैरह? हाँ, हम करते हैं, सभाएं भी करते हैं और शादी भी करवाते हैं। रिश्ते जो गरीब टपके के लोग हैं जिसके मतलब माँ बाप शादी नहीं करते बेटी बेटाओं की अपनी, तो हम वहाँ पर शादी भी कराते हैं हम लोग। उसमें क्या योगदान देते हैं? योगदान मान लो बेटा बेटी है शादी करनी करते, बेटी और एक गरीब एक है, तो उनकी शादी भी हम लोग अपनी संस्था से करवाते हैं। क्या योगदान देती है संस्था? संस्था शादी करवाती है उनके घर लड़का लड़की। शादी तो होगी होगी। हाँ। लेकिन वो क्या कहते हैं, संस्था का योगदान क्या होता है? पैसे से होता है? नहीं, पैसे से होती है या दान दहेज से होता है? देखो जी, एक हमारी एक लिमिट है कि जैसे लड़की वाला है तो उसके तरह देंगे, उसके शादी कराएंगे, दोनों शादी कराते हैं हम, और कुछ पैसे से भी, कुछ सामान से भी हम देते हैं। अभी तक आप लोगों के पास जो डाटा होगा या जो आप लोगों के पास जानकारी होगी, देश के अंदर बनोधिया समाज के लोग ज़्यादातर कहाँ रह रहे हैं इस टाइम? लोग बिखरे पहले ज़्यादातर यूपी में थे जी हमारे। अच्छा। उत्तर यूपी में, पूरा यूपी में, तो बहुत से जो उत्तर यूपी के लोग हैं वो अपने आप को लिखते हैं कोरी के निष्पन में, जो है बनोधिया वेस्ट तनमिना से कहते हैं हम लोग, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता कास्ट में बदलने लगे। अब कुछ तो वहाँ तक रुझान लोगों को हो रहा है, क्योंकि हम लोग मीटिंग होने लगी, बहुत दिन मीटिंग नहीं हुई थी हमारी, अब मीटिंग होने लगी, सभा जुड़ने लगी, शादी ब्याह होने लगे, अच्छे कार्यक्रम होने लगे, तो लोग जुड़ने लगे हमारे से। उन लोगों को कैसे जोड़ेंगे जो लोग आपके बारे में जानते नहीं है? हाँ, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे हम आपको जानते हैं, आप चार करोड़ जानते पीछे, तो उनको हाथ जोड़िए ताकि हम लोग भी खुल के सामने आए। क्योंकि हमें छोटी छोटी कास्ट का पता कहता है कि हम फलाने आदमी हैं, हम कास्ट रखते हैं, तो हमारे बंदे क्यों नहीं सामने आते?
किस लिए, पैसे की वजह से नहीं आते, पैसा तो सब कुछ नहीं होता ना। युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे, जो बनोदिया समाज की युवा पीढ़ी है जो कि कम से कम जात पात में या इधर उधर भटक रही है, या वो चली गई है दूसरी है उसमें, जिसकी अभी आपने चर्चा की कि भाई वो किसी दूसरी जाति में चले गए, आपने एक बात और भी कही पैसे के लालच में। हाँ जी, तो ऐसा ना कि अब हमारे कास्ट में आज पैसा कम है या पैसे नए लोग उठ रहे हैं जो, तो उस दूसरी कास्ट में ज़्यादा पैसा है या ज़्यादा वो देखने में अच्छे लोग हैं तो उसमें जुड़ जाते हैं लोग, जाओ किसी कास्ट का भी हो, तो अपनी सब रुझान कम कर रहे हैं वो। हम चाहते हैं वापस आएँ, अपनी कास्ट से जुड़े, हमारे कास्ट में लोग अच्छे लोग भी हैं, वो कुछ गरीब टपके के लोग उनको उठाएँ आगे आके, अपना योगदान दें जिस तरह हमारी जो कास्ट है और आगे बढ़े। बस भविष्य की क्या योजना है? भविष्य जो अच्छे काम होंगे, बढ़िया होंगे, उसको कोशिश हमारी यही है कि जितने गरीब लोग हैं या बीमार लोग हमारे कास्ट में, हम की सेवा कर सकें पूरी तरह से, तन मन धन से करें, और हमारी पूरी संस्थाओं की सहायता करेगी, हर तरह से कोशिश करेगी कि उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थे राजेंद्र गुप्ता जी, जो अपनी संस्था के सेक्रेटरी हैं। इनका बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इस बात पर दबाव और इस तरीके का रुचि दिलचस्पी कह सकते हैं आप, कि युवा पीढ़ी कम से कम अपनी बिरादरी को जाने, अपनी संस्कृति भाषा को जाने, उसके लिए इनकी संस्था जो है वह काम कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। आरिफ जमाल को तुम मेल के लिए दिल्ली। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।